तो क्या हाल अभी भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई आरसीआर भाई का ट्रैक आउट हुआ है नाल नाल, और अभी हुआ है 7 बजे। वैसे भाई दोपहर में करते थे 11 बजे करीब, 10 बजे करीब ट्रैक आउट, बट भाई ने अब किया है शाम को 7 बजे। सो भाई सुनते हैं, देखते हैं कैसा होने वाला ट्रैक। भाई बोल रहे थे आप लोग इससे बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, तो लेट्स गो, सब काम करेंगे। सो लगाओ भाई, हेडफोन खराब हो गया, गरीब भाई आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ हमारी ओर। सो सुनते हैं ट्रैक, लेट्स गो। साउंड वगैरह ओके है। गोवर्धन घी ना चाहिए। ओ नो, शुद्ध घी। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर 50 से भी ज्यादा बीमारियों की सर्जरी करते हैं। सर्जरी मतलब भाई ये एड, इत्तु एड भाई साहब, शूटिंग। स्टार्टिंग वाइब बता रही है, पूरा गम का माहौल होने वाला है, सैड माहौल होने वाला है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आरसीआर भाई जो लिखते हैं ना, वो दर्द वो सहन किया है बंदे ने, तभी भाई लिख पाता है कोई भी चीज हो। अगर मैं भी कुछ लिखूंगा ना, वो चीज मेरे साथ हो रखी होगी, वही चीज मैं लिख पाऊंगा। सो सुनते अब। पीछे हटना होता है क्या पता नहीं, यही खड़ा हूँ, कोई सकता हटा नहीं। मैंने सीखी दुनिया से बस एक चीज, इंसान साला किसी का सही बात नहीं। धोखे खाए बेवफाई कभी की नहीं, जिया गया पर करी मैंने सी नहीं। भाई वाइब बहुत अच्छी आ रही है, मतलब वही है यार, हटाया गया मुझे, मैं कभी पीछे हटा नहीं किसी भी काम से, और लोगों ने मतलब बहुत गलत बातें बोली हैं। सो अब शुरू से सुनते हैं, थोड़ा मजा आ रहा है सुनने में, मजा। मैंने सीखी दुनिया से बस एक चीज, इंसान साला किसी का सगा नहीं। धोखे खाए बेवफाई कभी की नहीं, जिया गया पर करी मैंने सी नहीं। जाते रहे लोग छोड़ के मुसीबत में, भीख मैंने जिंदगी में कभी ली नाल नाल, कोई रहा ना हाल हाल किसी से कहा। गम कोई ना जो मैंने सहाना, नाल नाल। भाई साहब बढ़िया लग रहा है मुझे सुनने में, मजा आ रहा है। मतलब बीट वगैरह थोड़ी नॉर्मल ही है, मतलब ऐसा नहीं बेस बूस वाली, नॉर्मल बीट है, मगर मजा आ रहा है सुनने में। और भाई की लाइन है भाई, कमाल है। नाल कोई रहा ना, हाल हाल किसी से कहाना, लोग लोग कहते तू खुश है, गम कोई ना जो मैंने सहाना। बाप रोता देखा माँ रात को जागी, भाई क्या लिखा है। गम कोई ना जो मैंने सहाना, बाप रोता देखा रात को है माँ जागी। ये भाई ये वर्ड कमाल है यार, देखो उठना चालू हो गए रोंगटे। भाई साहब ये लिखाई सही में, आरसीआर की सेवा कोई नहीं। बाप रोता देखा माँ रातों को जागी, देखी मतलब उठी देखी। बाप रोता देखा रातों को है माँ जागी, तेरा दिल टूटा छोटे मुझे भूख लगी, पानी टपकता मेरा कच्चा मकान था, तू एसी में सोया यहाँ पंखा भी ना था। पानी टपकता था मेरा कच्चा मकान था, तू एसी में सोया यहाँ पे पंखा भी नहीं था। भाई ये वर्ड, ये रियल लाइफ पक्का होगी आरसीआर भाई की, मुझे पता नहीं बट होगी, तभी भाई ने ये सब चीज लिखी। सही बताऊं ना, देखो रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं भाई, अलग ही लेवल है यार, अलग ही लेवल के शब्द हैं भाई के, मतलब लिखा ही अलग ही है। रियलिटी ये है बंदा रियल, सही बताऊं तो, लोग कुछ भी कहते हो मगर चीज ये है जो लिखता है, शब्दों से शब्दों को लिखता है और शब्दों में वजन होता है, ये बंदा है वो। बाप रोता देखा रातों को है माँ जगी, तेरा दिल टूटा छोटे मुझे भूख लगी, पानी टपकता मेरा कच्चा मकान था, तू एसी में सोया यहाँ पंखा भी ना था। रोटी के लिए क्या क्या ना करा है, मर चुकी है ढांचा जिंदा खड़ा है, मत करो मेरे आगे भूख की बात, यहाँ आंसुओं से मैंने मेरा पेट भरा है। देख रहे हो वर्ड, देख रहे हो, यहाँ आंसुओं से मैंने अपना पेट भरा है, लगाओ ये क्या है भाई, ये रियलिटी है पक्की। कई अपनों में एक अपना लगा, दे दी किसी और को उसने मेरी जगह, आदम पे आदम यकीन क्या करे, जहां आदम भी निकला ना रब का सगा।
नाल 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 कोई रहा ना हाल हाल। ये रैप जो आई थी ना बीच में भाई, काफी सही में गूस बम्स उठाने वाली, और मेरे तीन चार बार भाई पूरा शरीर से अंदर तक पूरा गूस बम्स उठ चुके हैं। और क्या यार, क्या लिखते हो आरसीआर भाई, सही में यार मजा आ जाता है। बट मजा भी आता है थोड़ा, अंदर से लगती है चीजें, बंदा पक्का रिलेट कर जाता है। देखो इन चीजों में ना थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं कि हर किसी ने कभी ना कभी फेस करी होंगी। मतलब अगर मैं अपने बैक में जाऊं तो मैंने भी कुछ चीजें इस पे फेस करी हैं, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। सो काफी रिलेटेबल ट्रैक है, सॉन्ग है। जरूरते हजार पर जेब में ना थैला, तालियां बजाते लोग देख मेरे आंसू, कोई शख्स नहीं था ऐसा जिसने दिल से निखेला। जो टूट के खड़ा है मैं उस घर सा हूँ मानसून की तरह, मैं सालों साल बरसाए शराब मानसून की तरह, मैं सालों साल बरसा हूँ। तो यहाँ आंसुओं की बात हो रही है, मतलब सालों साल आंखों में से आंसू निकले हैं, ऐसी सिचुएशन भी भाई के साथ हुई है। मैं सालों साल बरसा हूँ, तुम शराब के शौकीन हो साहब, और मैं आधी उम्र बस दूध को तरसा हूँ। जब भी मंगा मैंने किसी का भी साथ, साथ के बदले मिलाक मिले, लोगों की चौखट पे झोली फैलाने से अशकों के खैरात मिले, रिश्तेदार लोगों की चौखट पे झोली फैलाने से अशकों के खैरात मिले, मतलब आंसुओं ही आंसू मिले सिर्फ। भाई साफ क्या लिखता है भाई, चले जाते थे रिश्तेदारों से मिलके, मन करता था मेरा भी कोई आके मेरे साथ मिले, के पास जाओ धक्के मार निकालता, माँ बाप ना होते तो मुझे कोई ना पालता, दिल टूटने पे सलक टूट भी ना सका, जो मैं टूट जाता तो घर कौन संभालता। ये चीज भाई ये सही में, ये बहुत सही लोगों को अवेयर करने के लिए भाई ने एक कुछ भी मानो मतलब एक अवेयरनेस दी है। दिल टूटे या कुड़ी छूटे, सबको छोड़ दो, मतलब फैमिली की ओर भी भाई देखना चाहिए। चीज़ें हुई हैं हमारे साथ भी कभी, मतलब आज से 1.5 साल पहले, तो हमने भी चीज़ें समझी, बट आज चीज़ समझ आई है वो चीज़, तो काफ़ी ज़्यादा यार मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ भाई से। कद खुदा ने ऊंचा किया, कोई कैसे उसे गाड़ेगा बता, मैं मर के जिंदा हुआ हूँ दोस्त, कोई क्या मुझे मारेगा। नाल 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 कोई रहा ना, हाल हाल किसी से कहाना, लोग लोग कहते तू खुश है, गम कोई ना जो मैंने सहाना, नाल 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 कोई रहा ना, हाल हाल किसी से कहाना, लोग कहते तू खुश है, गम कोई ना जो मैंने सहाना। ये बंदा सही में यार लिखाई कमाल है यार, क्या बात है आरसीआर यार, क्या लिखते हो। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आप सबका अपना आरसीआर, और ये हैं हमारे इस वीडियो के डायरेक्टर सागर जायसवाल। तो उम्मीद है आप सबको हमारा गाना, भाई ने यार डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया। भाई देखो गाना बहुत अच्छा लगा है, तुम बोलो चाहे मत बोलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल, मतलब मैं बहुत ज्यादा रिलेट किया हूँ, आप लोग किए नहीं किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ट्रैक कैसा लगा भाई का, सॉन्ग कैसा लगा उसके बारे में बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चीज़ें काफ़ी बढ़िया मैं लाता रहता हूँ, और ये इधर उधर की आवाज़ आती रहती है क्योंकि हमारे पास अपना सेटअप नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कहीं भी, तो इसलिए। सो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।